कुछ अंदाजा हुआ होगा और साथ में किचन तो कुछ बन रहा है किचन की सफाई के लिए। चले जी बनाते हैं। किचन को साफ करने के लिए, टाइल्स के लिए और माइक्रो के लिए, सब चीज़ों की सफाई के लिए अब मैं बनाने लगी हूँ एक लिक्विड। तो सबसे पहले हमें ऐसी बोतल चाहिए जिसके आगे ये ऐसा स्प्रे हो और ये आराम से जो है फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए लेमन मैक्स और इसके साथ ही आपको चाहिए सिरका। बाद हम ऐड करेंगे इसमें लेमन मैक्स लिक्विड वाला, ये किसी भी शॉप पर आपको ईजीली मिल जाएगा। ये मेरा काफ़ी बड़ी बोतल है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें सिरका, क्वांटिटी का कोई मसला नहीं है, जितनी बड़ी बोतल हो उसके हिसाब से क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि इसमें कितना चाहिए क्वांटिटी सिरका और वो लेमन मैक्स। उसके बाद आपने इसमें करना है पानी ऐड। तीनों चीज़ें हमने ऐड करनी है और उसके बाद इसको अच्छा सा बंद करना है और इसको शेक करना है। अब मैं इसके साथ आपको सफाई करके दिखाऊंगी ये कितना इसके साथ क्लीन और नीट हो जाए, वर्कशॉप पे भी और माइक्रो के ऊपर भी। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम ये साफ़ करेंगे। तो आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका किचन। एक दो मिनट तक मैंने ये छोड़ दिया था स्प्रे और अब मैं करने लगी हूँ साफ। ये देखें कितनी साफ हो गई है। ये सबसे बेस्ट है, इससे सारा ऑयल आपका उतर जाएगा, जितना भी किचन में लगा होगा ये सारा इससे साफ हो जाएगा। ये देखें ये इसका हैंडल बहुत गंदा हो जाता है, इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से लगा के वॉश किया है। ये देखें कितना नीट हो गया। ये देखें जी आपने माइक्रो के अंदर भी ये स्प्रे करना है, साइडों में इधर उधर हर जगह, और फिर इससे हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ये सारे जम्स उतर जाएं। इसमें चूँकि सिरका है तो सारे जम्स भी मर जाएंगे। इसमें खाना गर्म होता है तो इसकी सफाई तो बहुत ही लाजमी होती है। अब मैंने लगा के इसको छोड़ दिया था, अब देखें मैं इसको करने लगी हूँ वॉश और जितने भी इसके ऊपर निशान थे खाने के और वैसे भी वो सारे बिल्कुल नीट हो जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। कुछ मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी के साथ। और यही स्प्रे मैं करूँगी इसके प्लेट के ऊपर भी दोनों साइड। इसको बहुत आराम से यूज़ कीजिएगा, ये टूट गई तो सारा ही मज़ा ख़राब हो जाता है माइक्रो का। इसके बगैर माइक्रो कुछ नहीं, जैसे हमारे दिल के बगैर कुछ नहीं, समझेंगे इसका दिल है। इसके ऊपर भी कट के इसको 5 मिनट के लिए आप रख दें और फिर देखिएगा ये बिल्कुल ईजीली साफ़ हो जाएगा। और ये जो मैंने लिया है कपड़ा सफाई वाला, ये किसी भी स्टोर से आपको किसी भी मर्ट से इजीली मिल जाता है। ये देखें स्कॉच ब्राइट का ये मिलते हैं स्पंज, ये सारा पानी जस्ट कर लेते हैं और इससे सफाई बहुत ही अच्छी होती है। ये देखें ये आपने ऑयली जगह पे सिर्फ यूज़ नहीं करना जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल हो, ये सिर्फ पानी के लिए, टाइल्स के लिए, माइक्रो के लिए, उसकी सफाई के लिए। अगर आप इसमें ऑयल लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी मैंने इसको थोड़ी देर लगा के छोड़ा था, अब मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी तो इससे सारे जम्स भी मर जाएंगे और जो गंदगी थी वो भी साफ़ हो जाएगी। ये देखें ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, आपको नज़र आ गया बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब हम इसको लगाते हैं माइक्रो में।
रमज़ान में तो आपको पता है सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान भी है। हम मुस्लिम्स का ये कॉल है कि सफाई आधा ईमान है हमारा, तो हमने सफाई का बहुत ख्याल रखना है। ये देखें जी कितना नीट हो गया है माइक्रो।